Right. हर चीज को हम लोग खामोश होते चले गए, जैसा कि एनआरसी का गड़बड़ चली, उसके बाद क्या है, फिर ये तमाम होते चले गए, बाबरी मस्जिद का चली, हम लोग मुसलमान बर्दाश्त कर लिए, फिर अजान के ताल्लुक से बहुत कुछ चला, ये सबसे किसी से ढकी छुपी तो बात है नहीं, उसको भी बर्दाश्त कर लिए हम लोग मुसलमान। फिर उसके बाद अब ये नया वापी मस्जिद का चला, तो हम ये कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, क्या क्या करेंगे, हर रोज एक नया नया मुद्दा, एक निकलता नहीं दूसरा आ जाता, दूसरा निकलता नहीं तीसरा, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुसलमानों के खिलाफ कर जा रहे हैं, हम तमाम मुसलमान बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। इतने हालात हो गए हैं कि प्यारे हबीब की ज़िंदगी पर बात आ गई, और ये कोई कुछ नहीं कर रहे, ना हमारे केसीआर साहब कुछ कर रहे ना तो कुछ कर रही, यही, और जो मीडिया में बताते, जो भी मीडिया पे इतना गलत सलत बताते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते, अब इतना तो हो गया, अभी इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, मुसलमानों के पास जिसका हमारा ईमान अल्लाह पर है और उसके रसूल पर है, उस चीज़ को आज अम्मा आयशा के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, हर तरीके से मुसलमानों को दबाते जा रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर लेते चले गए, लेकिन इस मामले में कोई खामोश बढ़ने वाला नहीं है। देखिए जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह हमारे जिस्म का एक या खून का खतरा भी देने के लिए हमारे नौजवान भी तैयार है और हम औरतें भी तैयार हैं, और इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, हम लोग किसी कीमत पर हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी लड़ाई अब आज वक्त आ गया, हमारी लड़ाई हमको खुद लड़नी चाहिए, जब बाहर वाले बोले यहाँ इतना सब हुए तो कोई उसमें अमल नहीं कर रहा, अब बाहर वाले दाखिल देने के बाद उसको 6 साल के लिए हटा रहे, इसको 6 साल के लिए हटा रहे, बोल के बोलेंगे फिर ये मामला थमने तक का है, उसके बाद फिर उसको अपनी पार्टी में ला लेंगे, या ये सब इतना करने का मकसद ये क्या है बीजेपी का, क्या मुसलमानों को ख़त्म करना, लेकिन हम लोग मुसलमान ऐसी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ता क़यामत तक रहने वाली है। इंशाल्लाह।